आज बात कर रहे हैं हम एरे फॉर्मूला। एरे फॉर्मूला के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब एक चीज जान लीजिए, एरे फॉर्मूला कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला लगाने का तरीका है। ठीक है सर? तो एरे फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने का तरीका है कि किस तरह से आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 करने, राइट? तो एक एक करके लिख दिया, उससे अच्छा है कि मैं यहीं पे इकट्ठा कर्ली ब्रैकेट में कर दूं 1, 2, 3, 4, 5 और एंटर प्रेस कर दूं। तो ये देखिए, ये हो गया आपका। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे सुजीत लिखा हुआ, अब मुझे क्या करना है कि हर एक लेटर अलग अलग सेल में डालना है। हर एक लेटर कहाँ कहाँ डालना है? अलग अलग सेल में। तो इसके लिए अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएं तो मुझे 6 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे अलग अलग मिड का। तो मिड हमने यहाँ पे लिया और बोला स्टार्ट नंबर 1 और नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, तो एस आ गया। फिर वापस मैंने मिड का फॉर्मूला लगाया तो बोला कि स्टार्ट नंबर 2 1 नंबर दे दो। फिर वापस मैंने मिड का फॉर्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट किया, तीसरा नंबर से 1 करेक्टर लेना है। फिर वापस मैंने यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि चौथे नंबर से 1 करेक्टर को लेना है। फिर वापस मैंने मिड का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि पांचवें नंबर से 1 करेक्टर को लेना है। फिर वापस मैं मिड का फॉर्मूला लिया और इसको सिलेक्ट किया और बोला कि छठे से मुझे 1 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सुजीत आ गया। देखिए इसे कितना फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब इसी चीज को मैं एरे में लगाऊंगा, और जैसे देख लीजिए एरे में क्या है कि सारा चीज सेम है, बस अलग अलग इनपुट है। जैसे कि ऊपर हमने यहाँ अलग अलग इनपुट दिया है और हमने एरे में कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो एक ही बार में सब कुछ हो गया। तो सेम चीज यहाँ भी हम करेंगे कि हम मिड का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, (1) करके एंटर मारेंगे, तो सिंगल फॉर्मूले के अंदर आपने देखा हमारा काम हो गया। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं सर? तो एरे के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि उसमें इनपुट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरा आता है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेट करता है एरे के फॉर्म में। और तीसरा जो आता है वो आता है स्टोरेज, वो अपने अंदर डेटा स्टोर करता है। तो पहले एग्जांपल आपने यहाँ समझ लिया, आप दूसरे का एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इस नंबर्स में क्या करना है कि सबसे पहले तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई बाई 3 करना है सबसे पहले। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें प्लस प्लस 100 करना है। फिर उसको डिवाइड, फिर जो रिजल्ट आएगा उनको डिवाइड करना है 5 से। फिर उसका 10% निकालना है और सम कर देना है। तो इतना सारा कैलकुलेशन है, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली कैलकुलेशन है तो सबसे पहले तो इसको सबको मल्टीप्लाई बाय 3 इंडिविजुअल किया आपने, राइट? फिर आपने क्या किया, इसमें प्लस 100 किया इंडिविजुअल सब में अलग अलग। फिर सबको आपने क्या किया, डिवाइड बाय 5 किया। फिर सबका 10% निकाला और फिर जो फाइनली रिजल्ट आया उसका मुझे सम करो। क्या करना है, सम इक्वल सम, और रिजल्ट आपके सामने 35 आ गया। आ गया सर? अब इसी काम के लिए हमने कितना लंबा कैलकुलेशन किया, अब देखिए इसी कैलकुलेशन को हम इजीली कर देंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा सम से आना है, तो हमने सम ले लिया।
इसको सिलेक्ट किया, सबसे पहले मैंने किया मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 100 डिवाइड बाय 5 और उसका 10%। अभी जानते हैं कि रिजल्ट सही नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया है। तो सारे कैलकुलेशन को आप ब्रैकेट के अंदर सेग्रीगेट कर दीजिए। ठीक है, अब आ गया रिजल्ट। तो जिस कैलकुलेशन के लिए आपने इतना लंबा चौड़ा लिखा था उसी कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे इजीली एक सेल में कर दिया। ठीक है सर, क्या है कैलकुलेशन पार्ट? डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट मतलब कि आपको एक सिक्वेंसली इन इनपुट अगर आपको अलग अलग सेल में देना है तो वी यूज द एरे मेथड विद कर्ली ब्रैकेट। की फॉर्मूले के साथ कई सारे कैलकुलेशन करनी, कई सारे फॉर्मूला लगाना है तो हम लगा सकते हैं। तीसरा जो आता है वो तीसरा आता है आपका स्टोरेज, कि डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ कोड है, ठीक है कोड, और उसके नेम जैसे 11 हो तो दिल्ली, 22 हो तो मुंबई, 33 हो तो कोलकाता, एंड 44 नहीं चेन्नई होगा ना, एंड 44 हो तो कोलकाता। ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं। अब मैं यहां किसी और सीट पे क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पे कोड लगाओ और यहां पे नेम ऑटोमेटिक या सिटी जो भी है अपने आप आ जाए। तो बोलेंगे सर इसके लिए हम वी लुकअप लगा देते हैं। तो वी लुकअप जब हम लगा रहे हैं बात तो ठीक है और रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें डेटा यहाँ रखना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है? डेटा रखना पड़ रहा है। क्या इस डेटा को वी लुकअप के अंदर ही रख सकते हैं? जी हाँ जरूर रख सकते हैं, लेकिन एरे फॉर्मेट में। देखिए इसको सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट में हमने दिया 11 कॉमा और यहाँ पे हमने दे दिया दिल्ली। अब इससे पहले जान लीजिए कि हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट में किया था 1,2,3,4। अब मैं यहाँ सेमी कॉलन दूंगा और लिखूंगा 5,6,7,8। तो क्या होगा कि 1 से लेके 8 तक नहीं होगा, जहां सेमी कोलन है ना वो टूट के नीचे के रो में आ जाएगा। देखिए 4 के बाद यहाँ 5 नीचे आ गया ना। तो एरे में कॉला कॉमा जो होता है वो कॉलम को डोनेट करता है और सेमी कॉलन जो है रो को डोनेट करता है। हाँ ठीक है, तो यहां अगर मैं वी लुकअप लगाता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं कर्ली ब्रैकेट में, मैंने लिखा 1,1,1 कॉमा, हमने दिल्ली लिख दिया। अब 2,2 जो है दूसरे नंबर रो में है ना, यहां पे सेमी कॉलन 2,2 कॉमा मुंबई। ठीक है, फिर सेमी कॉलन 3,3 कॉमा चेन्नई, फिर सेमी कॉलन 4,4 कोलकाता, और यहां पे कॉमा 2,0 एंटर मारिए। देखिए मुंबई, तो इसने क्या किया कि एक टेबल के अंदर मतलब कि एरे क्या किया, बैकएंड में एक टेबल बनाया जिसमें 2 रो एंड 4 कॉलम है। तो कॉमा जो है एक कॉलम का काम कर रहा है, सेमी कॉलम जो है रो का काम, समझ गए? समझे? और ये देखिए रिजल्ट आ। हाँ कुछ ऐसे डेटा आपके हैं ना जो कि आपको लग रहा है कि दिक्कत है, ऐसे डेटा को आप सही यूज कर सकते हैं।
जी जी 3 और 4 के बीच में अगर आप इसे भी बंद लगाए जी जी एकदम सही सही। जैसे मैंने बताया कि एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, लगाने का तरीका है, ठीक है।